गुलेर, ननपुर, लुचेड आदि पंचायतों के 10 गांव के लोगों ने लोक निर्माण विभाग के मुख्य अभियंता से देहरा के युवा समाज से भी एवं युवा भाजपा नेता सुकृत सागर के साथ मिलकर नंद नाला पर फौरी तौर पर अस्थायी पुल बनाने की मांग की है। आए हुए लोगों ने मुख्य अभियंता से कहा कि पिछले कई दशकों से हम गुलेर से नंदपुर के बीच नंद नाले पर पुल न होने की वजह से हम सभी गांव के लोग एक बहुत बड़ी समस्या से जूझ रहे हैं। पिछले कई सालों से हम सभी सुन रहे हैं कि जल्द ही ये पुल बन जाएगा, लेकिन इस बार भी नाबार्ड से इस पुल के लिए पैसा स्वीकृत न होने की वजह से हमारी उम्मीद टूट चुकी है। गुलेर, नंदपुर, लुद्रेड आदि पंचायतों के 10 गांव के लोगों ने लोक निर्माण विभाग के मुख्य अभियंता से देहरा के युवा समाज से भी एवं युवा भाजपा नेता सुकृत सागर के साथ मिलकर नंदलाला पर फौरी तौर पर अस्थायी पुल बनाने की मांग की है। आए हुए लोगों ने मुख्य अभियंता से कहा कि पिछले कई दशकों से हम गुलेर से नंदपुर के बीच नंद नाले पर पुल न होने की वजह से हम सभी गांव के लोग एक बहुत बड़ी समस्या से जूझ रहे हैं। बरसात में जब पोंग बांध पर जल स्तर बढ़ जाता है या फिर कभी इस नाले में पानी ज्यादा आ जाता है तो ये सारे गांव अपनी तहसील देहरा और उप तहसील हरिपुर से कट जाते हैं। नंदपुर से किसी व्यक्ति को अपनी उप तहसील हरिपुर जाना हो तो गुलेर होते हुए उसको मात्र 3 से 4 किलोमीटर की दूरी तय करनी पड़ती है, लेकिन जब इस नाले में पानी आ जाता है या फिर पोंग बांध का जल स्तर बढ़ जाता है तो लोगों को 25 किलोमीटर घूमकर हरिपुर पहुंचना पड़ता है। पिछले कई सालों से हम सभी सुन रहे हैं कि जल्द ही ये पुल बन जाएगा, लेकिन इस बार भी नाबार्ड से इस पुल के लिए पैसा स्वीकृत न होने की वजह से हमारी उम्मीद टूट चुकी है। इस मौके पर पत्रकारों से बातचीत में सुकृत सागर ने कहा कि अगर अब भी नाबार्ड पैसे स्वीकृत करता है तो भी ठेके की प्रक्रिया और बाकी की औपचारिकताओं को पूरा होने में भी तकरीबन 2 साल का समय लगेगा। उसके बाद पुल बनना शुरू होने से लेकर पुल बनने तक भी तकरीबन 4 साल का समय लगेगा और कुल मिला के अगर आज भी नाबार्ड से पैसा स्वीकृत होता है तब भी कम से कम 6 साल और इस पुल को बनाने में लगेंगे। इसलिए हम सभी ने सरकार और मुख्य अभियंता से निवेदन किया है कि आप जब तक यहाँ पर स्थायी पुल न बन जाए तब तक यहाँ पर एक अस्थायी पुल का निर्माण करवाया जाए। इस अस्थायी पुल के निर्माण में हम आए हुए ग्रामीण विभाग का हर स्तर पर सहयोग करेंगे। सुकृत ने कहा कि हम सभी वही लोग हैं जिन्होंने देश हित में पोंग निर्माण के लिए अपनी जमीन दे दी, लेकिन बदले में हमने कुछ भी नहीं मिला और हम आज भी एक पुल और पक्की सड़क के लिए भटक रहे हैं। आज तक पोंग बांध विस्थापितों की चिंताओं पर बहुत से नेताओं ने अपनी रोटियां सेकी हैं, लेकिन हम लोगों को कुछ भी नहीं मिला है। सुकृत सागर ने कहा कि मुझे पूर्ण विश्वास है कि प्रदेश के यशस्वी मुख्यमंत्री हमारी कुर्बानी और पीड़ा को समझेंगे तथा जल्द नंद नाले पर एक अस्थायी पुल का निर्माण करवाएंगे। आज हम लोग जिला विधानसभा के 10 पंचायतों के लोग यहाँ मुख्य अभियंता के लोक निर्माण विभाग के कार्यालय आए थे। हम लोगों ने यहाँ भी मुख्यतः मांग की है कि गुलेर और जुलिया के बीच में नंद नाले के ऊपर जो प्रस्तावित ब्रिज है जो अभी तक नहीं बन पाया है और वहाँ पे फौरी तौर पर एक अस्थायी ब्रिज बनाया जाए और लोगों को यहाँ पे सुविधा दी जाए। और मैं आपको बताना चाहता हूँ कि हम लोग वही लोग हैं जिन्होंने देश हित में पोंग बांध निर्माण के लिए अपनी जमीनें दी, लेकिन बदले में हमें कुछ भी नहीं मिला। आज तक बहुत सारे नेताओं ने पोंग बांध विस्थापितों की चिंताओं पर अपनी रोटियां सेकी हैं, लेकिन लोगों के लिए किसी ने कुछ नहीं किया। तो हम अभी राष्ट्र ने मांग की है कि हमारी इस कुर्बानी को, हमारी इस पीड़ा को समझे और यहाँ पे एक अस्थायी ब्रिज बनाया जाए, क्योंकि स्थायी ब्रिज बनाने में अभी भी कम से कम ऐसा महसूस हो रहा है कि आज भी अगर राशि स्वीकृत होती है तो 4 से 5 साल लग जाएंगे, उसका 6 साल भी लगे, तो तब तक के लिए इतना इंतजार हम लोग नहीं कर सकते। तो विभाग जो है वो जल्द इस पे यहाँ पे एक अस्थायी ब्रिज बनाए। कार्यक्रम में एक बार फिर वक्त तो चला है छोटे से ब्रेक का, ही मिलते हैं ब्रेक के बाद।